हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल जिया ट्यूटोरियल। आज की जो मेरी वीडियो से बात करने वाले हैं कैलोस वर्सिकलर के डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। ये एक तरीके का गार्डन लिजर्ड होता है। तो जो कैलोट्स हैं ये जीनस को शो करता है, वर्सिकलर स्पीसीज को शो करता है। तो ये जो एक इसका जो क्लास होता है वो रिप्टेलिया होता है, ठीक है, रिप्टाइल्स होते हैं। तो जो वर्सिकलर लिखा हुआ है ये जी स्पीसीज को शो करता है। इनकी एक स्पीसी नहीं, स्पीसीज में कई स्पीसीज पाई जाती हैं, 28 स्पीसीज के लगभग पाई जाती हैं। तो कुछ इसमें फॉरेस्ट लिजर्ड होते हैं, कुछ इसमें गार्डन लिजर्ड्स आते हैं जैसे कि कैलोस वर्सिकलर है। कुछ होते हैं जिनको ब्लड सकस कहा जाता है क्योंकि हेड रेड कलर का होता है। ये साउथ एशिया में, साउथ साउथर्न चाइना में, फ्लोरिडा जो कि यूएसए में है, बांग्लादेश, श्रीलंका, ऐसी ऐसी जगहों पर ये पाए जाते हैं और ये क्लास रिप्टेलिया से बिलोंग करते हैं। तो इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। एलिमेंट्री केनाल, इनका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है एलिमेंट्री क्लास से स्टार्ट होगा। तो कैलोस जो होते हैं वो एक तरीके के लिजर्ड हैं। ये इंसेक्ट्स वगैरह को ये खाते हैं। तो माउथ सबसे पहले एलिमेंट्री क्लास में माउथ आता है। द एंटीरियर माउथ इज अ वाइड ट्रांसवर्स स्लिट बाउंडेड बाय अपर एंड लोअर जॉ बियरिंग टीथ। इनका जो माउथ होता है वो वाइड चौड़ा होता है और ट्रांसफर होता है, ट्रांसवर्स टाइप का होता है। मतलब कि ये जो इनकी ये बॉडी आप देख रहे हैं ये हेड है इनका और यहाँ पे इनकी माउथ ऐसे पाया जाता है। इसमें अपर और लोअर जॉ पाया जाता है इनके माउथ में और इसमें टीथ होते हैं जो कि पॉइंटेड होते हैं, शार्प होते हैं, छोटे होते हैं। तो इनके टीथ कैसे होंगे? पॉइंटेड होंगे, शार्प होंगे, नोकीले होंगे, मतलब कि इस टाइप के इनके टीथ होते हैं। माउथ लीड्स इनटू ए नैरो बकल कैविटी विच वाइडेंस पोस्टरली इन इस रूफ ओपन टू स्मॉल ओपनिंग ऑफ इंटरनल नेयर्स वाइल ऑन इस फ्लोर लाइज ए मीडियन मस्कुलर टंग। तो इनका जो माउथ होता है वो पीछे की तरफ जाके बकल कैविटी में खुलता है और पीछे जाते हुए इनका माउथ क्या होता है, थोड़ा सा चौड़ा हो जाता है। इन इट्स रूफ ओपन टू स्मॉल ओपनिंग्स ऑफ इंटरनल लेयर्स। इनके रूफ पे दो ओपनिंग होती है जिसको नेयर्स बोलते हैं, मतलब कि नॉस्ट्रिल बोलते हैं। ये रिस्पायरेशन में वर्क करता है। वाइल ऑन इस फ्लोर लाइज अ मीडियम मस्कुलर टंग। इनके जो फ्लोर होता है बकल कैविटी का उस पर टंग पाया जाता है जो कि स्टिकी होता है। इस टंग से ही वो अपने प्रे को, इंसेक्ट्स को कैच करते हैं, पकड़ते हैं। बकल कैविटी की बात आता है फैरिंग्स। द फ्लोर ऑफ फैरिंग्स हैज ग्लॉटिस। फैरिंग्स का जो फ्लोर होता है उसमें ग्लॉटिस पाया जाता है। ये ग्लॉटिस जो होता है ये भी रिस्पायरेटरी में वर्क करता है। एंड द पोस्टीरियर वाइड ओपनिंग ऑफ गलेट लीडिंग इनटू ओसोफैगस। और फैरिंग्स के पीछे की तरफ गलेट पाया जाता है जहाँ से ओसोफैगस ओपन होता है। तो यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने शो किया ये फायरिंग्स है और फायरिंग्स से जस्ट पीछे शो किया गया ओसोफैगस। तो फायरिंग्स के पीछे क्या गलेट पाया जाता है जिससे ओसोफैगस में ओपनिंग होती है, इंटरिंग होती इंटर हो जिससे ओसोफैगस से में ओपनिंग होती है जो ओसोफैगस में जाके खुलता है। मतलब कि फायरिंग्स ओसोफैगस में गलेट के थ्रू खुलता है, आप ऐसे भी बोल सकते हो। और इसके फ्लोर पर ग्लॉटिस पाया जाता है जो कि रिस्पायरेटरी में वर्क करता है। तो अब फैरिंग से बात आता है ओसोफैगस। ये एक स्ट्रेट नैरो ट्यूब लाइक होता है जो कि माउथ को इनके इनके माउथ को स्टोमक से कनेक्ट करता है। ये स्ट्रेट ट्यूब लाइक होता है। ओसोफैगस से के बाद स्टोमक आता है। द स्टोमक इज ए इलॉन्गेटेड वाइड सैक लाइक ट्यूब। एंटीरियर पार्ट इज कार्डियक एंड पोस्टीरियर इज पाइलोरिक। तो जो स्टोमक होता है जैसे मैंने शो किया है ये फैरिंग्स था, फैरिंग्स के जस्ट पीछे ओसोफैगस, ओसोफैगस के जस्ट पीछे ये स्टोमक आया है। तो एक थैले के तरीके की स्टोमक होता है, सैक लाइक होता है, थैलेक जैसे होता है। ये सैक लाइक ट्यूब होती है जिसका एंटीरियर जो पार्ट होता है स्टोमक का उसको पकार्डियक बोलते हैं और जो पोस्टीरियर पार्ट पीछे का हिस्सा होता है स्टोमक का उसको हम पाइलोरिक बोलते हैं। तो ये इलॉन्गेटेड सैक लाइक ट्यूब होती है, इसका एंटीरियर पार्ट को कार्डियक बोलेंगे, पोस्टीरियर पार्ट को पाइलोरिक बोलेंगे। तो फैरिंग्स से आए ओसोफैगस, ओसोफैगस के बाद आए स्टोमक। इसके हम बात करेंगे इंटेस्टाइन की। इनकी जो बॉडी होती है इसमें टू टाइप के इंटेस्टाइन पाए जाते हैं। मतलब कि इनका जो इंटेस्टाइन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में बटा हुआ होता है।
स्टोमक लीड्स थ्रू अ पाइलोरिक इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। तो हमने क्या कहा था कि जो उसका एंटीरियर स्टोमक का भाग होगा उसको हम कार्डियक बोलेंगे पार्ट को, अब पोस्टीरियर को पाइलोरिक बोलेंगे। तो पोस्टीरियर जो उसका पार्ट था पाइलोरिक था, तो वहाँ से ओपनिंग होती है इंटेस्टाइन में स्टोमक की। तो स्टोमक लीड्स थ्रू पाइलोरिक इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन विच इज़ अ लॉन्ग नैरो एंड कॉइल ट्यूब। तो स्टोमक जो होता है पाइलोरिक के जरिए से स्मॉल इंटेस्टाइन ओपन होता है, जो कि एक कॉइल घुमावदार ट्यूब होती है। इट डिफरेंशिएटेड इनटू लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन, का जो बॉडी होती है लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन में डिफरेंशिएटेड होता है। लार्ज इंटेस्टाइन और रेक्टम, लार्ज इंटेस्टाइन को आप रेक्टम भी बोल सकते हो, इज स्मॉल वाइट थिक वॉल ट्यूब होती है ओपनिंग स्ट्रेट इनटू क्लोका। तो हमें क्या पता है स्मॉल इंटेस्टाइन नैरो होगी, पतली होगी, लंबी क्वाइल ट्यूब होगी ना, घुमावदार ट्यूब होगी, पतली होगी, नैरो होगी। जो लार्ज इंटेस्टाइन होगी वो थोड़ी छोटी होगी लेकिन चौड़ी होगी, मोटी उसकी दीवार जो होगी, इसकी वॉल जो होगी वो मोटी होगी और स्ट्रेट ट्यूब होती है इसको। और ये कहाँ पे ओपन होता है, क्लोका में ओपन होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ ड्यूडेनम लिखा हुआ, इलियम, सीकम लिखा हुआ, ये सर स्मॉल इंटेस्टाइन को शो कर रहा है। और ये रेक्टम जो है ये लॉ हमने क्या बताया था, स्मॉल और स्मॉल ट्यूब होती है ये रेक्टम, हमने बताया था मतलब लार्ज इंटेस्टाइन। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये लार्ज इंटेस्टाइन रेक्टम है और ये सब ड्यूडेनम, सीकम, इलियम, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टोमक है, स्टोमक ओसोफैगस विद फैरिंग्स है। इसके बाद हमने बताया था जो लार्ज इंटेस्टाइन होगा ये जाकर क्लोका में खुलेगा, तो ये क्लोका है, ये क्लोका का अपर्चर है। क्लोका क्या होता है, द स्मॉल क्लोका कंप्राइजेस एन एंटीरियर कॉप्रोडियम, ए मिडिल यूरोडियम एंड ए पोस्टीरियर प्रोक्टोडियम। तो जो क्लोका होता है वो कॉप्रोडियम, यूरोडियम और प्रोक्टोडियम में डिफरेंशिएटेड होता है। लैटर ओपन्स टू द एक्सटीरियर बाय द क्लोकल अपर्चर। ये जो क्लोका होता है बाद में क्लोकल अपर्चर से एक्सटीरियर की तरफ खुलता है। तो ये जो क्लोका होता है ये इसका रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी में यूज़ होता है, रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी में क्लोका का यूज़ होता है, इसका फंक्शन होता है। और इसके साथ साथ जो क्लोकल अपर्चर होता है इससे जो बॉडी से इसके जो वेस्ट मटेरियल होता है जैसे कि यूरिन है या फिर जो वेस्ट मटेरियल इनकी बॉडी में होता है वो किस क्लोकल अपर्चर से बाहर निकलता है। तो क्लोका का काम क्या है, दो, एक तो रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी में इसका काम होता है, साथ ही साथ इस क्लोकल अपर्चर के जरिए से इनका जो क्लोका का जो क्लोकल अपर्चर होता है इसके जरिए से बॉडी से एक्सट्रे जो वेस्ट मटेरियल होता है वो बाहर भी निकलता है। अब इसके हम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में देखेंगे। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स इंक्लूड सेबेरिक एंड म्यूकस ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, लीवर, पैंक्रियास एंड इंटेस्टाइनल ग्लैंड। जिनके डाइजेस्टिव ग्लैंड में क्या क्या हमने बताया, सेबेरिक ग्लैंड आएगा, म्यूकस ग्लैंड आएगा, गैस्ट्रिक ग्लैंड है, लीवर, पैंक्रियास, इंटेस्टाइनल ग्लैंड है। द मैसिव ब्राउनिश एंड बाइलोब लीवर सिचुएटेड बिहाइंड द हट। इनकी बॉडी में लीवर पाया जाता है जो ब्राउनिश कलर का बाइलोब होता है, मतलब कि दो लोब इसके पाए जाते हैं, लेफ्ट एंड राइट लोब पाए जाते हैं और ये हट के पीछे सिचुएटेड होता है। एल्कलाइन बाइल सिक्रेटेड बाय द लीवर एंड स्टोर्ड बाय द गॉल ब्लैडर इज पास इनटू ड्यूडेनम थ्रू ए स्मॉल बाइल डक्ट। तो एल्कलाइन बाइल होता है जो ये लीवर के जरिए सिक्रेट होता है, लीवर इसका सिक्रेशन करता है जो कि स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में और पोर होता है ड्यूडेनम में, किससे, स्मॉल बाइल डक्ट के जरिए से। यहाँ पे आप देख सकते हो ये लीवर शो किया गया, इसका लाइट लोब है, लेफ्ट लोब है लीवर का जो गॉल ब्लैडर है। तो लीवर क्या सिक्रेट करेगा, बाइल जूस सिक्रेट करेगा जो एल्कलाइन होता है, ये गॉल ब्लैडर में स्टोर होगा और उसका सिक्रेशन बाइल डक्ट के जरिए से ड्यूडेनम में होता है। तो इसका यूज़ क्या है, इसका यूज़ है डाइजेशन में, क्योंकि हम यहाँ पर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में बात कर रहे हैं। इनर वॉल स्टोमक इज प्रोवाइडेड बाय लार्ज नंबर ऑफ यूनिसेलुलर ग्लैंड लाइक्स पैरेलल ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, विच सीक्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl एंड डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो जो इनर वॉल होती है स्टोमक की उसमें कुछ यूनिसेलुलर ग्लैंड्स होते हैं जैसे पैरेलल ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, विच सीक्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाइजेस्टिव एंजाइम, जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड को और डाइजेस्टिव एंजाइम्स को सीक्रेट करते हैं। सॉरी ये पैरेटल ग्लैंड है, मैंने गलती से टी का मार्क निशान लगाने भूल गई थी, पैरेटल ग्लैंड ये है।
पाइटल ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, विच रिपीट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये जो ग्लैंड्स मैंने बताया यूनिसेलुलर जो ग्लैंड्स होते हैं मतलब कि वन सेल्स के, ये स्टमक के जो वॉल होती है इसमें पाए जाते हैं और ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स को, HCL को, इस सबको रिलीज करते हैं जो कि डाइजेशन में यूज होता है। पैंक्रियाज इज इंक्लोगेटेड वाइटिस स्ट्रक्चर, इसमें इनकी बॉडी पैंक्रियाज पाया तो जो भी जो कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स वो भी है प्रेजेंट बिटवीन स्टोमक एंड ड्यूडेनम, जो कि ड्यूडेनम और स्टमक के बीच में पाया जाता है पैंक्रिया, वाइट वाइट कलर का इलोंगेटेड स्ट्रक्चर होता है। इट्स एंक्लाइंस पैंक्रियाटिक जूस इज ड्रेन इन टू ड्यूडेनम बाय सेपरेट डक्ट। तो पैंक्रियाज जो करता होता है, सबने बताया ड्यूडेनम स्टोमक के बीच में पैंक्रियाज पाया है और ये सीक्रेट करता है पैंक्रियाटिक जूस ड्यूडेनम में एक दूसरे डक्ट के जरिए से। तो ये जो हमने बताया इस वक्त इस सारे डाइजेस्टिव ग्लैंड से जिनकी बॉडी में पाए जाते हैं, जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स डाइजेस्टिव जूस को रिलीज करते हैं जो कि डाइजेशन में यूज होता है। तो जो कैलोर्स होता है, लीजर होता है, ये इंसेक्ट्स को खाता है और ये अपने प्रे को कैसे कैप्चर करते हैं, अपने स्टिकी टंग से ये कैप्चर करते हैं प्रे को, कैप्चर करके अपने माउथ में बकल कैटी में ले आते हैं, फिर वहाँ से वो फैरिंग्स होते हुए एसोफेगस होते हैं स्टोमक में आ जाता है। स्टोमक में बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो होते हैं उससे मिक्स होते हैं जिससे उसका डाइजेशन हो जाता है और जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो ईलियम में जाकर एब्जॉर्ब होता है और जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो रेक्टम में स्टोर होता है, फिर बाद में क्लोकल अपर्चर से बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो जो डाइजेशन है कहाँ हुआ, तो मतलब कि फूड जो है माउथ से फायरिंग से होता हुआ एसोफेगस से होता हुआ स्टोमक में है जहाँ बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स उससे मिले जो कि लीवर से रिलीज हुए, पैंक्रियाज से रिलीज हुए और भी ग्लैंड जो मैंने बताया था उनसे रिलीज हुए जिसे उनका डाइजेशन हुआ, ईलियम में उनका ऑब्जर्वेशन हुआ, जो अनडाइजेस्टेड फूड से सब क्लोका अपर्चर से वो बॉडी से रिलीज हो जाते हैं। तो ये मेरी वीडियो थी कैलोर्स के डाइजेस्टिव सिस्टम पर। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।